देखिए, देश की आज़ादी तो देश के जो कुर्बान हुए भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद उनके कारण मिली है, कोई महात्मा गांधी के कारण आज़ादी नहीं हुई। महात्मा गांधी तो के कारण तो हमारा देश बर्बाद हुआ है। जो आज जो दंगे हो रहे हैं, ये सारे हम तो कहते हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों को उधर जाना चाहिए था। उसके बाद भी हमने जो पैसा उनका हक बनता था, करोड़ों रुपये भारत सरकार ने उनको दिया, तो मैं तो कहता हूँ भाई अब ये देश की आज़ादी भगत सिंह के कारण हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, 7 लाख शहीदों ने कुर्बानी दी है देश के लिए। तो यह हिंदुत्व की बात होनी चाहिए, हम किसी कौम का विरोध नहीं करते, लेकिन हिंदुत्व को बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से आज कमलनाथ का बयान आता है, वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं, वे कहते हैं कि क्या कभी उनके बाप बाप ने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो देखिए कमलनाथ का बाप कोई क्रांतिकारी था क्या? मैं अगर बात करता हूँ, मेरा नाम अतर सिंह संधू है, मैं शहीद आजम भगत सिंह के परिवार से हूँ। देश की कुर्बानी हम परिवारों ने मिल करके दी है। मैं तो कहता हूँ देश की आज़ादी में जो सबसे ज़्यादा काम किया हिंदू ने किया है। मैं ये नहीं कहता अशफाकुल्ला खान जैसे शहीदों ने कुर्बानी दी देश के लिए। जब हिंदुत्व की बात आती है, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्या ये थोड़ा होता है कि एक अगर 20% किसी मुसलमान किसी एरिया में हो जाए वो हिंदू का दमन करे? तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है और जनहित में जो मोदी सरकार ने भी पिछले 5 साल में किया, मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, देश हित की बात करता हूँ। देश के हित की बात में जो आज ये देख रहा हूँ युवाओं को, अगर एक फिल्म स्टार आकर के जेएनयू में ऐसे हरकत करती है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इनकी फिल्म पर बैन लगना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से मोदी पर आरोप लगते रहे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है हिटलर साई की वो है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिना ताकत के तो कुछ देश में कोई मानता ही नहीं है। अगर हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री, उसने क्या कहा था, अगर 370 आ गए तो यहाँ ये हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे। ताकत का इस्तेमाल वगैरह तो कुछ देश में हो नहीं सकता, और मोदी कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो जनहित की बातें, जो देशहित की बातें, जो राष्ट्रहित की बातें, वो मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन सर, जब भी सवाल उठता है आज़ादी की बात आती है, किसने आज़ादी दिलाई, तो सबसे पहले नेहरू और गांधी का ही नाम क्यों लिया जाता है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, इसलिए उनका नाम लिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता, मैं कोई गांधी जी और नेहरू का विरोध नहीं करता, देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे लिए आदरणीय है। अगर देश की प्रजातंत्र किसी को प्रधानमंत्री बनाती है तो सर मान्य है वो, लेकिन देश की आज़ादी में जिन शहीदों ने कुर्बानी दी, मैं मानता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनके कारण देश आज़ाद हो, हम देश उसको नमन करता है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उन्होंने आज बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के बाप दादा ने कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद मोदी हिटलर के नारे लगाए गए, क्या कहेंगे आप? मोदी हिटलर नहीं, वो तो आपको पता ही है, कांग्रेस मानसिकता, गुलामों की मानसिकता उनकी, वो एक ही परिवार की गुलामी करते आ रहे हैं। उनके जो मोदी जी के बारे में बोला कि बाप दादाओं ने आज़ादी क्यों नहीं लड़ी है सबने मिलके, उन ये जरूर कह सकते हैं उनके बाप दादाओं ने ये नेहरू परिवार, गांधी परिवार, इनकी गुलामी जरूर करी है। तो उन्होंने तो लड़ी है देश की आज़ादी के लिए, लेकिन इन्होंने गुलामी जरूर करी है एक परिवार की, और उसी पर चलते आ रहे हैं। सर, आज़ादी की लड़ाई को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या जो आज़ादी मिली है वो केवल नेहरू और गांधी की वजह से मिली है? बिल्कुल भी नहीं मानते हम, और देश का युवा जाग चुका है, सब जानते हैं। अभी वो क्या होता है ना, कहीं का इतिहास उठा लो, इंडिया का मत उठाओ, आप हर जगह को उठाओ, वर्ल्ड में जो भी सत्ता में रहे हैं वो अपना ही इतिहास लिखते हैं कि अपने लोगों को आगे करना। अब आज़ादी के जब कांग्रेस सत्ता में आई, आज़ादी के बाद, तो उन्होंने अपने लोगों को ही प्रमोट किया, जो असली हीरो थे, असली नायक थे, हजारों लाखों ऐसे नायक थे जिनका कोई नाम भी नहीं है। भगत सिंह आज तक क्यों आतंकवादी है सरकार के डॉक्यूमेंट में? भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुक सकती थी, क्यों नहीं रोकी गई, क्यों नहीं गांधी जी ने एक बार भी चिट्ठी लिखी? अहिंसा का गांधी जी समर्थन करते थे, जब वर्ल्ड वार हुआ तो उन्होंने क्यों आह्वान किया कि वो ब्रिटिश की तरफ से इंडियन फौज लड़े? ब्रिटिश की तो कमर, ये तो, और एक और खुलासा मैं इस पर कर दूं, ये तो आप उठा लेना, जब वर्ल्ड वार रुका था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन कहाँ कहाँ पे था, और उसके अगले 5 साल में कितने देशों पे उन्होंने शासन छोड़ा और उन देशों से अपना जो भी शासन को समाप्त किया, तो वो एक आज़ादी एक तरह से ना नहीं कह सकते कि आज़ादी, उन्होंने बहुत लोगों को छोड़ा है और उसकी कमर टूटी वर्ल्ड वार में, और उसको तो और सहारा इंडिया ने दिया गांधी जी के आह्वान पे, हमारे दादाजी भी लड़े हैं वर्ल्ड वार ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही, तो वो थे उस समय जो भी कर रहे थे काम उसके अंदर, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको तो और ज़्यादा पावर दी उसके आह्वान के ऊपर। तो अहिंसा और हिंसा, इन दोनों में भी फर्क वहाँ पे नज़र आता है कि आप कहते हो एक तो अहिंसा का मार्ग है और फिर कहते हो कि उनके लिए लड़ो, हथियार उठाओ ब्रिटिशों के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यदि देश में कोई भी अच्छा काम होता है, यार जितने भी काम किए मोदी जी ने, वो सब यही कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीयों का योगदान है। तो ये देश जो है ना, ये देश रानी झांसी बाई से लेकर के
ये पहले से चल के आया है और इसमें लीडरशिप सबकी रही होगी, चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन सबका ही हाथ है, क्योंकि देश को बनने में हर एक आदमी का हाथ होता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन हर एक युवक का हाथ होता है, हर एक महिला का हाथ होता है, हर एक बच्चे का हाथ होता है। देश को जो आज़ादी दिलाई है पूरे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के और 1947 तक, तो सभी का हाथ था, लेकिन यह है कि लीडरशिप रही होगी तो उसमें लीडरशिप में और लोग रहेंगे। जो लोग वहाँ पर थे या जिन्होंने जन्म पहले लिया तो वही तो होंगे। अब जो हम लोगों ने आज़ादी के बाद जन्म लिया तो भैया आप तो करेंगे। अब मोदी साहब ने आज़ादी के बाद जन्म लिया तो आज भारत का विकास वही कर रहे हैं ना, फिर आगे के बाद दूसरी जनरेशन करेगी, फिर तीसरी करेगी, तो इसी तरीके से चलता जाएगा। ये नहीं है कि एक परिवार को एक आदमी चला, सभी चलाते हैं और हर एक का हाथ होता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं पूरे देश के लिए, उन्होंने हर चीज़ से बच्चे से लेकर के ऊपर तक बुजुर्ग तक सब लोगों का साथ लिया है, और कहीं भी जाते हैं तो वो सारा का सारा श्रेय जो है 130 करोड़ की जनता को देते हैं। किसी की हम भर्सना नहीं करते, किसी के लिए हम उसमें नहीं जाते उसमें, लेकिन सवाल ये सोचना पड़ेगा कि आज देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है कि जो आज तक हमने नहीं देखा है। मैं 69 से देख रहा हूँ, लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं बिल्कुल शालीनता से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी कोई चीज़ें हमारे देश में जो साक्षरता है वो बहुत कम है, थोड़ी लोग नहीं समझ पाते, तो काफ़ी देर में समझते हैं, तो इस तरीके से वो थोड़े से विदग्ध से जाते हैं, थोड़ा ख़राब हो जाता माहौल। नहीं तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ किया उन्होंने, और किसानों से लेके, बच्चों से लेके, मुद्रा योजना से लेके, विदेश की नीति से लेके, जब लड़ाई हुई थी इराक से लेकर के, तब से लेकर के, उस टाइम सुषमा स्वराज थी हमारी विदेश मंत्री, उन्होंने कितना बढ़िया काम किया, कितने लोगों को लाए। उसी टाइम नेपाल में भूकंप आ गया, उसको कोई वैसा संभाला, तो और उसी दिन उसी टाइम समय की बात है, कश्मीर में वो आ गया, बाढ़ आ गई, अपने आप ही उन्होंने उसका संचालन किया। तो देश के प्रति उन्होंने हर जगह से, और आज वो लोग जो CAA किया उन्होंने बहुत अच्छा किया उन्होंने, और इसमें तो किसी भारत के अंदर तो किसी के लिए कुछ है ही नहीं, ये तो उन जब भी आज़ादी की बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि आज़ादी दिलाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो नेहरू और गांधी का है। नहीं ऐसा नहीं है, सभी का है इसमें, ऐसा नहीं, जितने भी थे चाहे वो जो भी उस टाइम रहे होंगे सबका हाथ होता है। ऐसा कि हम इंडिविजुअल बोलेंगे भाई साहब जिस देश, जैसे मैंने क्या कहा कि मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से उन लोगों ने भी किया होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो पैदा नहीं थे, तो वो भी उस टाइम ऐसे बोलते होंगे। आज कोई कुछ भी बोले, चाहे अपने स्वार्थ के लिए बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन उन्होंने अभी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, उन्होंने यही सोचा होगा कि जिन्होंने भी सबने काम किया तो सब ने ही भारत के लिए काम किया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार निशाना साधती है और मोदी को हिटलर बोलती है, आपको क्या लगता है? नहीं, मोदी साहब हिटलर नहीं है, मोदी साहब तो ऐसा है बच्चों से लेकर के, किसानों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, सभी लोगों को देखने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने खाका खेचा, इतना नहीं पूरे विदेशों में उन्होंने सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा कर दिया, पूरा हिंदुस्तानियों का एकीकरण कर दिया, और हर आदमी जानता है, जिस देश में भी जानते हैं कि भाई उस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सभी लोगों को भारत में, भारत से बाहर सबको इज्जत दिलाई है। आज हम कहीं बिना पासपोर्ट के यदि घूमते हैं कहीं, चाहे रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ किसी को पूछा नहीं जाता, इतनी ज़्यादा इज्जत है। मोदी साहब के आने से बहुत बड़ी इज्जत बढ़ी है, और आज लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारी जनता के साथ एक सेटबैक है कि हम लोग जो है 1947 से लेकर के आज तक थोड़े गरीबी उसमें ज़्यादा रहे। अब यदि कोई कुछ दे देता फ्री तो हम उधर ही चले जाते। देश का थोड़ा हमें वो सबको समझना पड़ेगा कि देश कहाँ जा रहा है, देश की एक दिशा को वो दिशा देने का काम कर रहे हैं और वो इस देश को मजबूत करने जा रहे हैं। तो हमारे को ये देखना है कि नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत रहेगा। आज दुनिया के देश मोदी साहब को पूछ रहे हैं, यदि दुनिया में कोई वार होती, कोई झगड़ा होता है तो मोदी साहब को पूछा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम करने जा रहे हैं और काम करते हैं उस टाइम सब भारतीयों की इज्जत बढ़ती है। विपक्ष कुछ भी बोले उनका अपना मुद्दा है, आंदोलन चलते रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी आंदोलन हो लेकिन उसमें देश का मुद्दा पहला होना चाहिए, और देश को कोई भी आदमी ये ना बोले कि देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो लोग, ठीक नहीं। टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का ये समर्थन हमारी जनता को नहीं करना चाहिए, हमारी जनता को हमेशा देश हित में बात करनी है, जितने भी नेता हैं जो भी हैं भारत के लिए ही काम करना है, हम इसके सपूत हैं। और मोदी जी
आज सच्चे सबूत के तरह भारत में काम करने जा रहे हैं और वही काम अच्छा हो रहा है। सर आपको क्या लगता है? ना मैं तो बहुत बढ़िया कह रहे जी, 50 साल की उम्र होगी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देगा आज तक नहीं देगा पता। लेकिन आज कमलनाथ जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि क्या कभी मोदी के बाप दादा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है? देखो आज़ादी की लड़ाई ये खाली आप क्या कह रहे थे, अभी नेहरू और गांधी जी का हाथ है, दो आदमी से देश आज़ाद नहीं होता। जब पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ था तब देश आज़ाद हुआ, आपके माँ बाप भी लड़े मेरे माँ बाप भी लड़े, दो आदमी आप और मैं आज देश आज़ाद नहीं कर सकते, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक इकट्ठी हुई तब देश आज़ाद हुआ।